नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के सुल्तानविंड इलाके में देर रात पुरानी रंजिश के चलते कुछ नौजवानों ने घर में घुसकर किया हमला, पारिवारिक सदस्यों ने भागकर बचाई जान। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब लालजीत सिंह भुल्लर ने सेक्रेटरिएट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय में की औचक चेकिंग। रामा मंडी और करतारपुर में बसों के कागजात किए चेक। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के अधीन आते सुल्तानविंड में देर रात पुरानी रंजिश के चलते कुछ नौजवानों द्वारा एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान घर में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके भाई को इलाके में रहने वाले एक नौजवान ने गोली मारी थी, जिसके चलते उक्त नौजवान जेल में बंद था और जब वह जमानत पर बाहर आया हुआ है, अब वह अपने कुछ साथियों को साथ लेकर उनके घर में उन्हें मारने की नीयत से दाखिल हुआ और उन पर दांतों से हमला कर दिया। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। उनके घर में घुसकर घर के सामान की तोड़फोड़ की गई है और यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस प्रशासन को की है, इसलिए वे पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थाना बी डिवीजन के पुलिस अधिकारी शिव दर्शन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत है और शिकायत दर्ज कर जल्द ही दोषियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये राज प्रधान जी हमने साडे को आए ने, उन्होंने एक वीडियो दिखाई है कि कुछ नौजवान जिहड़े हथियार समेत उन्होंने घर च दाखिल होए ने, उन्होंने घर तोड़फोड़ करते हैं। इस संबंध में साडे को कंप्लेंट लिखा रहे हैं, उन्हें कंप्लेंट दर्ज करके FIR दर्ज करके कानून सर कार्रवाई की जाएगी। जिहड़े भी दोषी होणगे उन्हां दे खिलाफ़ जिहड़ी कानून सर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह गैंगस्टर जो कोई होए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर मैं ना सब्जी बनानी पई सी, दाल बनानी पई सी, तो एकदम मुंडे आए 20-25 जने। पहले एक मुंडा उत्ते चढ़िया, वह कहिंदा करण कित्थे करण कित्थे आ, तो मेरे नान ने थल्लों कहा भी की काम तुहानूं, की कहना तुसीं करण नूं। वह चुप करके उन्हें किड्डा वड्डा बैसबॉल फड़िया, उत्ते चढ़ाया, उन्हें पेंदे लंदे ने मेरे घर वाले दे बैसबॉल मारिया बांह ते, फिर सारे मुंडे उत्ते दातराणा कोठे चढ़ आए वड्डे वड्डे। एक मुंडे ने पिस्तौल फड़िया, इन्हां ने साडा कुकर भी सुट दिता सब्जी वाला, साडा भांड्या वाला टोकरा तोड़ता, साढ़े भांडे सुट्टे सारे रसोई चो, LEDs तोड़तियां, मेरे घर वाले का फोन चार्जर तो ला के लै गए, इन्हां ने साडी एक्टिवा भी तोड़ती, सारा कुछ तोड़ के लै गए। सर अं कुड़ियां ही घर, साडे बच्चे ही छोटे छोटे, जे गोली मार देंदे सानू मार डर जाते, कौन साडी जान का खतरा हैगा। सर साडे ना सर पुरानी रही ने मेरे पहला भरा विशाल दे गोली मारी ही 307 रहा ने परचा जमानत ते आया कुत्ती, यही बंदे लिया गया, तो मम्मी ने कोई मम्मी प्रधान है कोई केस ही, तो और रंजिश के नाल साडे घर आ गए पै गए। मैं अपने कोठे कमरे च बैठा, तुहाडे सामने वीडियो च वेख सकदे, घट्टो घट 20-25 बंदे आ गए तो मेरे हमला करता, कुछ नहीं पुछया। मैं महा जान बचाई, आखो मेरे दातर वजे, मैं अपनी जान बचा के कोठे टप के भज गया, तो सर आ के फिर मैं जो भज गया तो मेरे हड्डियां 2 LCDs तोड़ गए, फोन चुके लिया गया मेरा, चार्ज दे लगा एक्टिवा सारा कुछ वीडियो के बेच दे। इन्होंने सर मैं जिम चलाना, सर आ वेख सकते जो मेरा सारा जिम का समान इन्हों की वजह ना मेरा बंद होया, तो ये सर यही कहते हैं भी ये चंगे काम को करते हैं तो ये माड़े करते हैं। मैं सर मेरी इन्होंने ये रंजिश जे मैं किसी बंदे ना नशा इन्होंने वेख दे तो पींदा ही, मैं कह बैठा भी तू जिम आया कर तो कोई पहन लवाना। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की ओर से सुबह 7:30 बजे सेक्रेटरिएट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय में औचक चेकिंग के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी चेक की गई, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय रामा मंडी चौक और करतारपुर में बसों के कागजात चेक किए। ट्रांसपोर्ट मंत्री द्वारा ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों और रीजनल ट्रांसपोर्ट सचिव बलजिंदर सिंह ढिल्लो सहित रामा मंडी और करतारपुर में 30 बसों के पेपर और परमिट चेक किए गए। वह मौके पर ही 5 बसों को बंद किया गया। इस दौरान जिन बसों के कागजात में खामियां पाई गई उन्हें मौके पर ही जुर्माना किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दिड़वा में 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे सब डिवीजन तहसील कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा गया। ये कॉम्प्लेक्स दिड़वा के गामड़ी रोड पर बनेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि दिड़वा क्षेत्र के लोगों को सरकारी काम करवाने के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, जिस कारण लोगों के पैसों की बर्बादी होती थी और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा।
उन्होंने भी अपने भाषण के दौरान विरोधियों पर निशाने साधे। इस दौरान उनके साथ लहरा से विधायक वीरेंद्र गोयल, गुरमेल सिंह राचो, प्रीतम सिंह पीतू के अलावा अलग अलग अधिकारी, वरिष्ठ वॉलंटियर और गांवों की पंचायतें भी मौजूद रही। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो जो अपोजिशन जो मैं विरोधी दल नेता सी उस तो लगातार मंग उठी हुई सी कि दड़वे दे विच तहसील कंपलैक्स है नहीं, एक दफ्तर मर्दखेड़े पिंड आ, दूसरा तूर बंजारे आ, तीसरा अपना सूलर घराट आ, सो वख-वख जगह दे उत्ते ऑफिस सीगे, सो लोगों नूं बहुत भारी खज्जल खुआरी दा सामना करना पैंदा सीगा, सो इको छत थले सारे ऑफिस होए ने। सो बहुत मैं समझदा दड़वे वासियां दी बहुत खुशी वाली गल आ, मेरे वल्लों सारयां नूं बहुत बहुत मुबारकां। एक वड्डे प्रोजैक्ट दा नीह पत्थर जिहड़ा दड़वे दे अंदर रख्या गया और इहदे नाल लोकां नूं बहुत सारियां मुश्किलां जिहड़ियां नेगियां उहनां दा हल होऊगा। होर बहुत सारे ऑफिस जिहड़े ने इको छत थले होणगे, फर्द केंद्र होऊगा, नैब तहसीलदार, तहसीलदार सारे ऑफिसर साहिबान बैठणगे। सो इहदे उत्ते जिहड़ी पहला राशि सीगी उहदा अनुमान लाया गया सी डिपार्टमेंट वल्लों 10.5 करोड़ दे करीब, 10.5 करोड़ तों उपर दा लाया गया सीगा। और असी जदों सारा ठेकेदार साहबान दे नाल जदों टेंडरिंग प्रोसैस होया तो 9.6 करोड़ दे विच जिहड़ा उह टेंडर अलॉट होया गया। सो इहदे नाल लगभग 1.47 करोड़ रुपया दी बचत हुई है। जालंधर के वार्ड नंबर 35 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक मीटिंग का आयोजन प्रधान कुक्कू गोत्रा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें लोगों ने कुक्कू गोत्रा की बेटी उषा रानी को आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की ओर से अपना उम्मीदवार घोषित करने की अपील की। इस मौके पर रिंकू बराड़, हरीश कुमार, तीरथ राम, विजय कुमार, तरसेम लाल, सुमित कुमार, सोनू ग्रोवर सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। मैं जो रुके काम ने यह सारे करवाऊंगा, फुल कोशिश करूंगा, सारे काम मैं तो ठीक करा, बिल्कुल तुहाने को धक्का नहीं होएगा। मेरे को आओ तुम ते तुहानू को तंग करदा मैं बोलिया मेरे को नहीं आ। आसरा एनजीओ की ओर से तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन सहारा सेवा समिति के सहयोग से लम्मा पिंड चौक के नजदीक किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल जालंधर की डॉक्टर गुरपिंदर कौर और ब्लड बैंक के स्टाफ की ओर से उपस्थित होकर यह रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में भाग लेकर रक्तदान किया। इस मौके पर प्रधान तरलोचन सिंह ने कहा कि रक्तदान सबसे उत्तम दान है। उन्होंने बताया कि यह रक्त थैलीसीमिया के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक होता है और यह सारा रक्त सिविल अस्पताल के मरीजों व थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को दिया जाएगा। इस मौके पर सचिव मनिंदर पाल सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप खोसला, समीर गुप्ता, अजमेर सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, प्रवेश सहगल, नरेंद्र पाल सिंह ढिल्लो, हरबंस गगनेजा, कमल जैन, वरिंदर राजा, अमरजीत सिंह, करमजोत सिंह, अनिल कुमार शर्मा, राजीव जैन, विकास जैन, देवकी नंदन ठाकुर, रामपाल वर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खून दान, महादान, रक्तदान, अभयदान, प्रभु कृपा नाल ये काम होंदे ने। अज दा तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप आसरा एनजीओ द्वारा लगाया गया, जो कि सफलतापूर्वक चल रहा है, जिदे विच 30 तों 35 मैंबर भुग चुके ने। उम्मीद है 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हो जाएगा। ये सारा खून असी सिविल हॉस्पिटल के थैलासीमिया मरीजों नूं और सिविल हॉस्पिटल के गरीब पेशेंट नूं उन्हां नूं दिता जाएगा। खासकर अजकल थैलासीमिया वीक चल रहा, 7 तों 21 उहदे अंडर थैलासीमिया डे मनाते हुए सिविल हॉस्पिटल के BTO ऑफिसर गुरपिंदर कौर ते उन्हां दा सारा स्टाफ आया है, जिहदी मदद नाल इह खूनदान कैंप चल रहा है, जिहनूं सफल बनाउण दे विच आसरा NGO दे प्रधान सरदार तरलोचन सिंह, सैकटरी सरदार रविंदर पाल सिंह जी, तो सर्वे सर्वा साढ़े समीर गुप्ता जी, सोनू जी और प्रवेश सहगल जी, होर सारे मैंबर जिहड़े इत्थे आए ने, नाल सहारा सेवा समिति तो श्री कमल जैन जी, श्री अनिल जैन, अनिल कुमार शर्मा जी, साढ़े अमरजीत चड्ढा जी, होर सारे मैंबर जिन्हों के सहयोग नाल एक कैंप चलाया जा रहा है। मैं परमात्मा अगे, सच्चे पातशाह अगे प्रार्थना करना ये सारे चढ़ती कला च रहन और इदा ही इन्हों बल प्रदान करन और इदा ही ये भलाई के काम करते रहन। तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप आसरा और सहारा NGO द्वारा हुशियारपुर रोड के अजीत टिंबर स्टोर के प्रेजिडेंट श्री तरलोचन सिंह जी के अपना जो ऑफिस के लगाया गया और सारा मतलब ये जो सेवा का जो कार्य है सोनू
समीर गुप्ता जी, त्रिलोचन सिंह जी, मनिंदर पाल जी सिंह जी, सारा अरेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छे ढंग नाल कीता है और कैंप बड़ा अच्छी तरह चल रहा है। तीसरा और अगे भी असी इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। 2 जून को रिलीज़ होने जा रही फिल्म मेडल के कलाकारों और फिल्म टीम की ओर से अमृतसर में एक प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर मुख्य अभिनेता जय रंधावा ने कहा कि उनकी ओर से राजा के किरदार के लिए गहराई से काम किया गया है। इस दौरान अपने उत्साह को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मेडल में राजा की भूमिका निभाना एक शानदार सफर रहा है। इस किरदार ने उन्हें बहुत सी भावनाओं की खोज करने का मौका दिया और इसके लिए वे बहुत रोमांचित है। इस मौके पर अभिनेत्री बानी संधू ने कहा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मेडल से अदाकारी में अपना पहला कदम रखना उनका एक सपना साकार होने जैसा है। उन्हें एक शानदार टीम के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह जय रंधावा के साथ स्क्रीन केमिस्ट्री देखने योग्य है। उन्हें उम्मीद है कि दर्शक उनके मनमोहक सफर को उतना ही पसंद करेंगे जितना उन्हें इसको पेश करना पसंद है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सो उन्हें बनाने की कोशिश की है तो उसका जो रिस्पॉन्स है ट्रेलर को देख के लग रहा है कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा। सो साड़ी कोशिश है कि लोग इस सिनेमे को सपोर्ट कर, साड़ी फिल्म मेडल को देखने 2 जून ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜੱਸੀ ਲੋਖਾ ਵੀਰਾ, ਗੌਰਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਲੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਆ, ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਗੌਰਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਮੂਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। 2013 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸਾਵਣੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਣੇ, 8 ਪਰਚੇ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ। अमृतसर के 88 फुट रोड स्थित 2 बच्चों ने मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर प्रेस वार्ता कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान भगवान वाल्मीकि संघर्ष दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों के भाई और माता पिता के खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि लगभग 20 दिन पहले इन बच्चों की माता मीना कुमारी शाम के समय अपनी करियाने की दुकान के बाहर बैठी हुई थी कि इस दौरान 2 नौजवान उसका मोबाइल छीनकर भाग गए, जिसके चलते मीना कुमारी शोर मचाते हुए उनके पीछे भाग गई। उसका शोर सुनकर मोहल्ला निवासी भी उसके साथ भागने लगे और झाड़ियों में छिपे एक नौजवान को काबू कर उसके पास से मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया, जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। इस दौरान लुटेरे को 4 थप्पड़ भी मारे गए, जिसके बाद मोबाइल छीनने वाले नौजवान ने मोहल्लावासियों से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि वह मोबाइल दे देता है लेकिन उसे पुलिस के हवाले ना किया जाए, जिस पर मोहल्लावासियों ने उसे छोड़ दिया और वह वहां से चला गया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कुछ देर बाद उक्त नौजवान अपने 22 साथियों सहित आया और उनके घर पर हमला कर दिया। इस दौरान उक्त हमलावरों ने उनके बच्चों को थप्पड़ मारे और उसके भाई को भी चोटें मारकर फरार हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि मोबाइल छीन
महीने वाले नौजवान ने अब उनके खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया है और पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही, वो उनके साथ धक्का हो रहा है। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पुलिस ने पीड़ित परिवार को इंसाफ ना दिया तो वे संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ी तो थाना सदर का घेराव भी करेंगे। वहीं जब इस संबंध में थाना सदर के प्रभारी रमनजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोबाइल छीनने की कोई भी शिकायत उनको नहीं दी गई, जबकि सरबजीत सिंह गौरा नामक नौजवान को इन्होंने चोटें मारी हैं, जिस कारण मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इन पर पर्चा दर्ज किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फोन मतलब लाया थे चोर उधरों दी आन दिया सी ते वो फोन लेके भज गया। कौन लोग आए सी? मेनू नहीं पता, वो दो मुंडे सी। हां जी। ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? 1 ਵਜੇ 1 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 10:30 ਸਾਡੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਮੰਮਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਮੰਮਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਛੀਨ ਕੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਭਾਗੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਸੇ ਭਾਗੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋ ਉਹ ਮਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਛੀਨਣਾ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਸੇ, ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਦਿਆ ਮਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਪੀਟਾ, ਫਿਰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਥਾ ਫੋਨ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੂਟਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਹਲੋਂ ਨੇ ਤੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾ ਉਸਸੇ ਤੋ ਉਸਨੇ ਬਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਮਤ ਦੋ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਇਦ 379-325-148-49 ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਆ, ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰੋੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਗਵ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਗਰਣ ਸਭਾ ਕੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਮੇਂ ਜਾਕਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਸਭਾ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਟੋਨੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ, ਮਹਿੰਦਰ, ਬੌਬੀ, ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਗੋਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ, ਬੰਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਕਤੋਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਭਕਤੀਮੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਸੰਖਿਆ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਿਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵੀਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਲਾ
धन धन सतगुरु कबीर साहब जी की। सतगुरु कबीर साहब जी का 625वां प्रकाश उत्सव पूरे संसार दे विच श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा है और इस नगर दे विच सतगुरु कबीर साहब की संध्या फेरी हुई है। इस तो पहला प्रभात फेरियां होईयां, नगर कीर्तन होए और ठीक 3 तरीक नूं विशाल शोभा यात्रा पूरे जलंधर दे विच हुम हमा के होवेगी और सतगुरु कबीर साहब का प्रकाश उत्सव ठीक 4 तरीक 6 जून नूं पूरे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा दे नाल मनाया जाएगा। मैं साध संगत नूं, मंदिर कमेटियां नूं सतगुरु कबीर साहब नूं प्रेम करन वाले और इस चैनल का भी असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ। धन कबीर, धन धन सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें प्रकाश दिहाड़े के मौके पर सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर वालों संध्या फेरी कढ़ी गई, जिस विच नगर निवासियों ने थां थां लंगर ला के छपीलां ला के संध्या फेरी का निघा स्वागत किया और इस विच साडे बड़े ही सत्कारयोग जगदीश आचारिया जी पंजाब जो कि महान तौर पर इत्थे पहुँचे हैं और उन्होंने नाल राम लाल जी पाठी और सारिया मंदिर सभावां, मंदिर कमेटियां और सत्संग बीबियां जो कि हुम हुमा के सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर में उन्होंने अपना योगदान पाया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के सुल्तानविंड इलाके में देर रात पुरानी रंजिश के चलते कुछ नौजवानों ने घर में घुसकर किया हमला, पारिवारिक सदस्यों ने भागकर बचाई जान। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब लालजीत सिंह भुल्लर ने सेक्रेटरिएट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय में की औचक चेकिंग। रामा मंडी और करतारपुर में बसों के कागजात किए चेक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।